वेलकम बैक टू यू थ्री सी लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में प्रश्नावली 13.1 के छठे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। ये हमें आकृति क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम समझने के लिए इस प्रकार से बना सकते हैं। ये जो है बेलनाकार आकृति है हमारे पास। अब इस तरफ एक अर्धगोला जुट गया और इस तरफ अर्धगोला जुट गया है, तो इस प्रकार का हमारे पास कैप्सूल है। अब पूरे कैप्सूल की लंबाई हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन में। तो इसमें जो है बीच में बेलनाकार भाग है और दोनों तरफ अर्धगोलाकार भाग, तो ये हमें 14 मिलीमीटर में दी हुई है। उसके बाद व्यास 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। अब व्यास 5 मिलीमीटर का मतलब है इसके जो बेलन का व्यास है वो भी 5 मिलीमीटर है और अर्धगोले का व्यास है वो भी 5 मिलीमीटर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक का व्यास 5 मिलीमीटर है, तो हम यहाँ व्यास से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या 5, व्यास की आधी होगी 5/2 मिलीमीटर। तो ये त्रिज्या प्रत्येक अर्धगोलाकार भाग की भी त्रिज्या है और बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या है। उसके बाद हमारे पास कुल लंबाई 14 मिलीमीटर है। ये इसका मतलब है यहां से और इस पॉइंट तक ये कंप्लीट जो है 14। अब इसमें इस पॉइंट से और इसका केंद्र लेंगे, ये जो है अर्धगोले की त्रिज्या है। इसी प्रकार ये अर्धगोले की त्रिज्या है, तो अर्धगोले की त्रिज्या होगी 5/2, 5/2। तो दोनों तरफ 5/2 घटा देंगे तो यहां से और यहां की ये बेलन की लंबाई बच जाएगी। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, तो बेलनाकार भाग की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल लंबाई 14 में से 5/2 एक अर्धगोले की, 5/2 दूसरे अर्धगोले की, दोनों घटाएंगे। तो 14 घटा, ये एक जैसी संख्या बटे में, तो इनको हल करेंगे तो 5 और 5 10 डायरेक्ट जोड़कर लिख सकते हैं 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अर्थात 14 में से 5 घट जाएगी 9 मिलीमीटर। अब ये बेलनाकार भाग की लंबाई है, ये जो सूत्र में एच का काम करेगी, क्योंकि इसको सीधा ऐसे रखेंगे जो ऊर्ध्वाधर भूमिगत, तो ये ऊंचाई बन जाती है लंबाई। तो बेलनाकार भाग में एच हमारे पास 9 आ गया है और आर प्रत्येक की पता है और बेलन की एच पता है। अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हमें कौन कौन सा पृष्ठ दिखाई देगा, पहले ये चेक करेंगे। तो हमें कैप्सूल के ये जो ये सी एस से दिखाई देगा बेलन अर्धगोले का, इसका सी एस से, ये सी एस से, ये जो वृत्ताकार भाग है ये हमने पहले ही बताया था, एक दूसरे को जैसे टच करते हैं तो वो छुप जाता है भाग। जब दो वस्तुओं को आपस में टच करते हैं ठोस को, तो उनका पृष्ठ अपने आप में छुप जाता है। जैसे अब ये मेरे पास एक अर्धगोलाकार कटोरी है, ये घन हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, तो ये ऐसे जब इसने रखा तो इसका जो वृत्ताकार भाग है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार वृत्ताकार भाग जब हम रखेंगे, वृत्ताकार भाग ये दोनों के ढक जाएंगे, तो ये हमें वृत्ताकार भाग, दोनों के वृत्ताकार भाग दिखाई नहीं देंगे, तो हमें सी एस से दिखाई देगा, इधर सी एस से, इसका सी एस से और इसका सी एस से। तो सूत्र बनेगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन का सी एस से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले हैं, दोनों की त्रिज्या एक जैसी है, तो 2 × अर्धगोले का सी एस से। तो 2 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं हमारे पास। अब बेलन का सी एस से होता है 2πRH प्लस 2 × अर्धगोले का सी एस से 2πR की 2। अब पाई का मान 22/7, तो 2 × 22/7 गुणा आर 5/2 गुणा एच बेलनाकार भाग की 9 आ गई प्लस 2 × 2 गुणा पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर 5/2, 5/2। इसको हल करेंगे हम तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हाँ हम इसको गुणा करेंगे तो 22 × 110, 22 × 110 की 9 से करेंगे तो 1199 × 10 990/7 प्लस 22 × 110, 110 की फिर हम 5 से करेंगे तो 550 आ गया 7।
अब दोनों के बटे एक जैसी संख्या है तो हल करेंगे, लघुत्तम साथ ही आएगा, ऊपर ये वैसे के वैसे आ जाएंगे, 990 प्लस 550, इनको जोड़ेंगे 0, 9 और 5 14, 9 और 5 14 और 1 15 बटे 7, 7 से भाग कर देंगे, 7 × 14, 7 × 14 0, ये कट गया 220 वर्ग मिलीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। तो आशा है यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए स्टूडेंट हमसे अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। और आपने देखा कि जो हमें प्रश्न दिखाई दे रहा है उस प्रश्न का ही हमने सूत्र लगाकर इसका हल किया है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो प्रश्न हमें दिखाई देगा उस प्रकार से उसका फॉर्मूला बनकर हम हल करेंगे। थैंक यू।